नमस्कार, मैं हूं मुकेश वत्स और आप देख रहे हैं मेरे चैनल वत्स सुवाच को। एक सवाल हर पितृपक्ष के पहले उठता है कि क्या हिंदू धर्म में सिर्फ उन्हीं लोगों के पितृ सेटिस्फाइड रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे, जिनके पास पैसा है या जिनको संस्कृत का ज्ञान है या जिनके पास बहुत ही विद्वान ब्राह्मणों तक पहुंच है, या फिर साधारण लोग जिनके पास समय नहीं है, जिनके पास सामर्थ्य नहीं है, या जो फिर विदेशों में रहते हैं, जिन लोगों ने कभी श्राद्ध नहीं देखा क्या होता है, क्या उन लोगों के पास भी कोई बहुत ही सिंपल ऑप्शन है अपने पितरों को संतुष्ट करने का। बहुत सारे सवाल पूछे गए थे पिछले पितृपक्ष के समय में भी, और दो दिनों के बाद ही पितृपक्ष आ रहा है, इसीलिए मैं आज का यह वीडियो आप लोगों को दे रहा हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि इस तरीके के उपयोगी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाया करें। फ्रेंड्स, जैसे ही भाद्रपद पूर्णिमा आता है, उसके बाद पितृपक्ष आश्विन महीने के पहले दिन से शुरू हो जाते हैं और दशहरा के एक दिन पहले, नवरात्रि शुरू होने के एक दिन पहले अमावस्या तक रहते हैं। 15 दिनों का यह पक्ष आश्विन महीने का पितृपक्ष कहा जाता है। इस समय में हमारे एंसेस्टर्स, जिनका स्वर्गवास हो चुका है, वो पितृलोक से पृथ्वी लोक पर, मनुष्य लोक पर आते हैं और अपने वंशज से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। हम लोगों के शरीर का हर डीएनए हमारे पितरों का देन है और इस डीएनए की अपनी एक मेमोरी होती है। यदि उस डीएनए में अच्छी मेमोरी है तो आपका लाइफ बहुत अच्छा चलता है, लेकिन आपके डीएनए में यदि कुछ बुरे मेमोरीज अंकित हैं तो उसी को हम लोग ज्योतिष के भाषा में पितृ दोष कहते हैं। और मैंने हजारों कुंडलियां देखी हैं, कोई दिक्कत नहीं होता कुंडली में, कुंडली बहुत अच्छा होता है, लेकिन व्यक्ति कुछ ना कुछ चीजों को लेकर हमेशा परेशान रहता है। और सबसे ज्यादा जो परेशानी दिखती है किसी भी पितृ दोष वाले कुंडली में, तो सबसे पहला परेशानी होता है बच्चा होने में दिक्कत होती है, या फिर ऐसे लोगों के कैरियर में मुश्किलें आती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रहते हैं, बच्चों का विकास अच्छा नहीं होता, डिस्प्यूट्स में फंसे रहते हैं, काम हमेशा बनते बनते बिगड़ जाते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स रहते हैं, पितृ दोष के वजह से ये सारी समस्याएं आती हैं। आज हम लोग एक बहुत ही सिंपल प्रयोग करेंगे, देखेंगे, जिसको आप पितृपक्ष के हर दिन आप कर सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है कि आप महंगे श्राद्ध करें, कोई आवश्यकता नहीं है कि कोई बहुत विद्वान ब्राह्मण को लाएं और आप 1000 रुपया दक्षिणा दें और 2 घंटा पूजा पर बैठे उसके बाद लोगों को खिलाएं और 1000 रुपए खर्च करें। कोई आवश्यकता नहीं कि आप गया जी या हरिद्वार या गुजरात में चानोद या त्र्यंबकेश्वर कहीं जाकर बड़ा श्राद्ध करें। यदि ये सब भी करें तो अच्छा है, लेकिन यदि आप नहीं करने के लायक हैं तो क्या? एक बहुत ही सिंपल विधि आप लोगों को बताने जा रहा हूं। ये नित्य कर्म पूजा प्रकाश एक बुक है, गीता प्रेस का, पंडित लाल बिहारी मिश्र जी की पुस्तक है। आप देख सकते हैं यह पुस्तक कितना यूज हुआ है, मैं हर पूजा में इसको यूज करता हूं। इसमें एक पूरा सेक्शन है पितृयज्ञ का, और इसके अनुसार कीजिएगा तो थोड़ा लंबा समय लगेगा। मैं आपको ऐसा बताऊंगा कि सिर्फ 3 या 4 मिनट में आप इस पूरे प्रोसेस को कर लेंगे। करना क्या है, एक लोटा में जल लीजिए, लोटा यदि स्टील का ना हो तो अच्छा है, तांबे का लोटा लगभग हर घर में उपलब्ध होता है, तांबे के लोटा में जल लीजिए और उस जल को लेकर आप घर के अंदर भी बैठ सकते हैं, या फिर आपके घर के बाहर कोई गार्डन है या घर में ही कोई गमला में तुलसी जी या कोई प्लांट लगा हुआ है तो उस प्लांट को सामने रखकर बैठ जाइए। जब भी तर्पण देते हैं
तो सबसे पहले हम देवताओं को तर्पण देते हैं, और देवताओं को तर्पण देने के लिए हमारे ये फिंगर्स का जो अगला हिस्सा है यहां से जल गिराते हैं। उसके बाद हम सप्त ऋषियों को तर्पण करते हैं, उनके लिए भी ये फ्रंट पोर्शन से ही हम जल ऐसे सामने की ओर गिराते हैं। उसके बाद दिव्य पुरुषों को और ऋषियों को तर्पण दिया जाता है, उनके लिए हम हथेली के इस भाग से ऐसे देते हैं तर्पण, और पितरों के लिए ये पोर्शन तर्जनी उंगली इंडेक्स फिंगर से नीचे का जो ये पोर्शन है अंगूठे तक का, इसको हम लोगों के पाम में पितृ तीर्थ क्षेत्र कहा जाता है। जब हम पितरों को तर्पण देते हैं तो जल यहां से गिरना चाहिए इस तरीके से। कहा जाता है सामने देवताओं का स्थल होता है, इधर ऋषियों का एवं दिव्य मनुष्यों का, तथा हमारे राइट साइड में हमारे पितरों का स्थान होता है। आप लोग गुटखा वगैरह खाकर यदि राइट साइड में थूकते हैं तो नहीं थूकना चाहिए, ये राइट साइड हमारे पितरों का होता है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, सबसे पहले आप एक बार देवताओं को तर्पण दें, एक बार सप्त ऋषियों को तर्पण दें, और दो बार ऋषियों को और दिव्य मनुष्यों को तर्पण दें। तर्पण देने से पहले मन में संकल्प ले लीजिए कि मैं आज देवताओं को, सप्त ऋषियों को, दिव्य मनुष्यों को एवं अपने पितरों को तर्पण देने का संकल्प लेता हूं। सिंपल, आप हिंदी में भी कर सकते हैं, आपको संस्कृत नहीं मालूम है तो। एक बार देवताओं को दे दें, एक बार सप्त ऋषियों को दे दें, दो बार दिव्य मनुष्य एवं ऋषियों को दे दें, और फिर आप उस जल में काला तिल मिला दें। काला तिल को आयुर्वेद मानता है कि नेगेटिविटी को खत्म करने वाला बहुत ही चमत्कारी चीज है। आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोग देवताओं का भी होम हवन करते हैं उसमें भी हम लोग काला तिल का ऑफरिंग करते हैं, अगल बगल की सारी नेगेटिविटी को वो खत्म कर देता है। और किसी भी श्राद्ध में या किसी भी तर्पण में काला तिल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इसके बारे में मैं एक चीज और बता दूं, नॉर्मल डेज में कभी भी जल में काला तिल मिलाकर घर के अंदर रहकर तर्पण ना करें, घर के बाहर कर सकते हैं। घर के अंदर काला तिल मिलाकर आप तर्पण अपने पितरों का सिर्फ पितृपक्ष में कर सकते हैं, अमावस्या के दिन कर सकते हैं, संक्रांति के दिन कर सकते हैं, या फिर जिस दिन ग्रहण लगता है उस दिन कर सकते हैं। नॉर्मल डेज में कभी भी काला तिल मिलाकर घर के अंदर पितरों का तर्पण ना करें। अब हम लोग वापस पॉइंट पर आते हैं। जैसा मैंने पहले कहा, पितरों का दिशा दक्षिण है, तो दक्षिण की तरफ फेस करके हाथ में लोटा है, उस जल में थोड़ा सा काला तिल, थोड़ा गंगा जल मिला दीजिए और अपने पितरों का आह्वान कीजिए, मेरे सभी पितृगण जो पितृ लोक में निवास करते हैं आप लोग कृपया पधारें एवं मेरे तर्पण को स्वीकार करें। और सबसे पहले फादर के लेवल का तर्पण होता है, फिर ग्रैंडफादर के लेवल का, फिर ग्रेट ग्रैंडफादर के लेवल का, तीन जेनरेशंस का तर्पण किया जाता है। आपके यदि फादर हैं तो फादर को छोड़कर दादाजी और परदादाजी, फादर नहीं है तो फादर, दादाजी, परदादाजी। आप देखिए, फादर के लिए मैं जस्ट एक इस बुक से आपको एक श्लोक पढ़ के सुनाता हूं। अमुक गोत्र अस्मत पिता अमुकाय वसुरूप स्त्रिप्यतामिदं तिलोदकम तस्मै सुधानमः तस्मै सुधानमः तस्मै सुधानमः। आपको संस्कृत पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, इस कॉम्प्लेक्सिटी में जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ हाथ जोड़कर ये संकल्प करें, अब जैसे मेरे पिताजी नहीं है तो मैं यदि अपने पिताजी को तिल मिश्रित जल का यदि तर्पण करना है तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा मेरे पूज्य पिताश्री वत्स गोत्र में उत्पन्न
श्री बिंदेश्वर प्रसाद सिंह जी जो वसु रूप में पितृलोक में निवास करते हैं, आप कृपया पधारिए, तिल मिश्रित जल का तर्पण स्वीकार कीजिए, संतुष्ट होइए एवं अपना आशीर्वाद मुझ पर एवं मेरे परिवार पर बनाए रखिए। यहां मैंने वसु रूप यूज किया। मैंने जब संस्कृत में श्लोक भी पढ़ा था तो उसमें भी वसु रूप आ रहा था। फादर के जेनरेशन के लिए वसु रूप यूज होता है, ग्रैंडफादर के जेनरेशन के लिए रुद्र रूप यूज होता है और ग्रेट ग्रैंडफादर के जेनरेशन के लिए आदित्य रूप यूज होता है। तो अब मान लीजिए मुझे मेरे ग्रैंडफादर को देना है तर्पण, तो मैं क्या कहूंगा, मेरे पूज्य दादा श्री श्री देवनंदन सिंह जी जो वत्स गोत्र में उत्पन्न हुए हैं एवं पितृलोक में रुद्र रूप में निवास कर रहे हैं, वो कृपया पधारे, तिल मिश्रित जल का तर्पण स्वीकार करें, संतुष्ट हों एवं अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखें। और ऐसे जल डालकर 3 बार तर्पण देते हैं। पितरों को हमेशा 3 बार तर्पण दिया जाता है। तो फादर का जब आह्वान करेंगे तो उनको भी 3 बार देंगे, दादाजी का आह्वान करेंगे तो उनको भी 3 बार देंगे। अब मुझे अपने परदादाजी का यदि तर्पण करना है तो मैं क्या कहूंगा, मेरे पूज्य परदादा श्री श्री शिव बालक सिंह जी जो वत्स गोत्र के हैं एवं आदित्य रूप में पितृलोक में निवास करते हैं, आप कृपया पधारिए, तिल मिश्रित जल के तर्पण को स्वीकार कीजिए, संतुष्ट होइए एवं अपना आशीर्वाद मुझ पर एवं मेरे परिवार पर बनाए रखिए। और 3 बार तर्पण देना है। मेल एंसेस्टर्स को देते हैं तो संस्कृत में यदि बोलते हैं तो तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, 3 बार बोलते हैं। ये जब मैं ऐसे कर रहा हूं तो समझिए कि मैं जल डाल रहा हूं इस पर, तिल मिश्रित जल। फिर आते हैं फीमेल्स के ऊपर। यदि मां नहीं है तो पहले मां, फिर दादी, फिर परदादी। वहां भी गोत्र बोलना है, उनका नाम बोलना है और कौन सा रूप है, वसु रूप है। यदि मां के लेवल की है तो वसु रूप, दादी के लेवल की है तो रुद्र रूप और परदादी के लेवल की है तो आदित्य रूप। ये अपने गोत्र में हो गया। उसके बाद आप अपना नाना नानी मामा मामी परनाना परनानी को भी दे सकते हैं जो दूसरे गोत्र के होंगे। उनका यदि गोत्र पता है तो गोत्र बोल दीजिए, उनका नाम पता है तो नाम बोलकर उनको बुलाइए। इसके अलावे इस जन्म में आपके जो भाई बहन रहे हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, आपके गुरु, आपके फ्रेंड्स, इन सभी को जो नहीं है इस दुनिया में उनको तिल मिश्रित जल का तर्पण करना चाहिए। ऑब्वियसली उनका गोत्र आपको नहीं पता होगा और उसमें कोई रूप भी कहने की आवश्यकता नहीं। आप सिंपली इस जीवन में मेरे जितने भी तमाम गुरुजन हैं जो अभी पितृलोक में निवास करते हैं, मैं आप सबका आह्वान करता हूं, आप कृपया पधारें, तिल मिश्रित जल का तर्पण स्वीकार करें एवं अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखें। गुरुओं का हो गया, इसी तरीके से फ्रेंड्स का हो जाएगा। बहुत से लोग अपने पिछले जन्म के पिता माता गुरु सखा भाई बंधु उनको भी देते हैं, उनको भी आप बुला सकते हैं। वहां भी आपको गोत्र बोलने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ उनका आह्वान कीजिए और 3 बार तर्पण कीजिए। हमेशा ऐसे गिरेगा, राइट साइड में गिरेगा। इसके बाद थोड़ा सा सहृदय बनिए। इस विश्व में बहुत सारे पितर ऐसे भी होंगे जो असंतुष्ट रहते हैं और उनके वंशज, उनके जो भी यहाँ पर परिवार के लोग हैं, शायद उनको नॉलेज नहीं है या शायद उनको इंटरेस्ट नहीं है या कुछ लोग बहुत ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं, उनको इन चीज़ों में विश्वास नहीं होता, वो नहीं करते। तो बहुत सारे पितर हैं जो पितृपक्ष में आते तो हैं पृथ्वी लोक पर लेकिन असंतुष्ट लौट जाते हैं। तो आप उसमें कह सकते हैं इस दुनिया के तमाम पितृजन आप पधारें, मेरे तिल मिश्रित जल को स्वीकार करें, संतुष्ट हों एवं अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखें।
इससे आपको फायदा ही होगा, घाटा नहीं होगा। आप अपने दुश्मनों को भी तिल मिश्रित जल का तर्पण दे सकते हैं, उनका भी आशीर्वाद ही मिलेगा आपको। एक बार पितृलोक में चले जाने के बाद वो दुश्मनी नहीं निभाते आपसे, वो आशीर्वाद ही देते हैं, क्योंकि आप उनको श्रद्धा दिखा रहे हैं, आप उनको जल ऑफर कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, यही जल है जो हमारे पितरों को एक तरीके से कहिए तो स्वीकार्य होता है, और यही उनको मिलता है। बाकी भोजन वगैरह जो करवाते हैं हम ब्राह्मणों को या गरीब लोगों को या जानवरों को, इससे उनके आत्मा की संतुष्टि होती है और कहीं ना कहीं भूत महायज्ञ के अंतर्गत आता है। लेकिन हमारे पितरों को जो स्वीकार होता है वो ये जल ही होता है। आप 3 से 4 मिनट में ये पूरा प्रोसेस को कर सकते हैं। नीचे आप जो जल गिरा रहे हैं या तो किसी बर्तन में जमा हो जाएगा, उस जल को जाकर किसी पौधे में डाल दें, या डायरेक्टली आप किसी पौधे में कर सकते हैं। आपको इतना भी लंबा यदि नहीं करना है और भी शॉर्ट में करना है, या फिर आपको डेली करना है, तिल मिश्रित जल से नहीं, नॉर्मल जल से आपको डेली करना है, तो डेली 2 मिनट में हो सकता है। सबसे पहले आप देवताओं को दें, मंत्र पढ़े, ओम देव्या तृप्यंताम, सामने एक बार, देव्य देवता को सिर्फ एक बार दिया जाता है। फिर सप्तऋषि आते हैं, ओम सप्तऋष्या तृप्यंताम। फिर दिव्य मनुष्य आते हैं, 2 बार दिया जाता है, ओम दिव्य मनुष्य तृप्यंताम, ओम दिव्य मनुष्य तृप्यंताम। और फिर समस्त पितरों को आप एक ही में दे सकते हैं, ओम पित्र तृप्यंताम तेभ्य सुधा नमः, तेभ्य सुधा नमः, तेभ्य सुधा नमः। जल यहां डालते जाइए, तेभ्य सुधा नमः, तेभ्य सुधा नमः, तेभ्य सुधा नमः। ये सिंपल प्रोसेस आप स्नान करने के बाद डेली कर सकते हैं, 1 मिनट में हो जाएगा। और ऐसा आप करेंगे तो आपको कोई भी महंगा श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, और पितरों का हमेशा आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। कोई बड़ी व्याधि आने वाली होगी, कोई बड़ा प्रॉब्लम भी आने वाला होगा, तो उसका इंटेंसिटी कम हो जाएगा। गृहस्थ जीवन में जीने वाले हम सभी लोगों को एटलीस्ट डेली नहीं तो कम से कम जो ये श्राद्ध पक्ष आता है, इसमें डेली का 3-4 मिनट मिलाकर ये करना ही चाहिए। और आप करेंगे तो इसका बहुत लाभ होगा आपको। इसमें खर्चा कुछ नहीं है, सिंपल प्रोसीड्योर है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज का वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करके इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स। इस सिंपल प्रोसेस को करके यदि किसी का भला होता है, इस पूरे विश्व का भला होता है, तो हमारा क्या जाता है। और वैसे भी अभी हम लोग जिन परिस्थितियों में हैं, हम लोगों को अपने पितरों के आशीर्वाद की बहुत आवश्यकता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए। मैं फिर से कहूँगा, मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिए। फिर से मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।